हे एवरीवन, दिस इज़ रोनमी हियर। वेलकम टू माय चैनल रोनमीज कॉर्नर। आज मैं एक मंदला आर्ट बनाऊंगी। मंदला बनाने के लिए मैंने डॉटिंग टूल्स और ब्रश का यूज़ किया है। एक सर्कल को मंदला बनाने के लिए कैसे प्रिपेयर करना है उसका डिटेल वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। पहले मैं सबसे स्मॉलेस्ट डॉटिंग टूल का यूज़ करके वाइट स्मॉल डॉट्स का एक सर्कल बना लूँगी। और फिर उसी डॉटिंग टूल से ऑरेंज कलर को लेंगे और एक डॉट देंगे और फिर डॉट को ड्रैग करके ऐसे एक डिज़ाइन बना लेंगे। और फिर टर्कोइज कलर से ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम तरीके से डिज़ाइन बनाएंगे। उसके बाद व्हाइट स्मॉल डॉट्स का एक और सर्कल बना लूंगी। अब मैं डार्क ऑरेंज कलर का मीडियम डॉट्स दूंगी और फिर उसे व्हाइट स्मॉल डॉट्स से सराउंड कर दूंगी। उसके बाद टर्कोइज और ब्लू से थोड़ा बड़ा डॉटिंग टूल यूज़ करके डॉट्स बनाऊंगी। अब एक लॉन्ग एंड थिन ब्रश लेके गोल्डन कलर यूज़ करके एक स्ट्रोक दूंगी और फिर स्मॉल डॉटिंग टूल से वाइट डॉट्स दूंगी। अब मैं यहाँ सेम ब्रश से ब्लू कलर का ऐसे एक बीच में एक डिज़ाइन बनाऊंगी। यहाँ मैंने ग्रीन मेटेलिक कलर यूज़ किया है। और फिर टर्कोइज और लाइट ब्लू कलर का दो स्ट्रोक्स बनाऊंगी। अब ऑरेंज कलर यूज़ करके मीडियम साइज़ का डॉट्स का एक सर्कल बनाऊंगी। अब मैंने डिसाइड किया है कि यहाँ पे मैं ये साइज़ का मिरर डालूंगी, लेकिन मिरर डालने के पहले वार्निश करना पड़ेगा, तो मैं मिरर के शेप को ऐसे ट्रेस करूँगी और फिर उसके बाद डिज़ाइन बनाऊंगी। अब पहले मैं यहाँ पे वाइट डॉट्स बनाऊंगी और फिर ब्रश की मदद से कुछ स्ट्रोक्स देंगे।
ये मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर लिया है। और फिर यहाँ ब्लू कलर लिया है। अब इसी डार्क ब्लू में थोड़ा वाइट कलर मिक्स करके मैंने थोड़ा ब्लू को लाइट करके सेकेंड स्ट्रोक में यूज़ किया है। उसके बाद मेटेलिक ग्रीन, टर्कोइस एंड लाइट ब्लू यूज़ करूँगी। अब यहाँ मैं मीडियम साइज़ का ऑरेंज डॉट्स बनाऊंगी और फिर टर्कोइज कलर का स्मॉल डॉट्स से सराउंड कर दूंगी। उसके बाद थोड़ा बड़ा डॉटिंग टूल यूज़ करके ब्लू डॉट्स बनाऊंगी। यहाँ मैं गोल्डन और मेटेलिक ग्रीन कलर से और थोड़ा डिटेलिंग ऐड कर रही हूँ। यहाँ रिवर्स डायरेक्शन में व्हाइट कलर से डॉट्स देंगे और फिर गोल्डन कलर से स्ट्रोक्स बनाएंगे। अब यहाँ फिर से ऑरेंज कलर का मीडियम डॉट्स दूंगी और उसे वाइट, लाइट ऑरेंज एंड डार्क ऑरेंज से डॉट्स बना के सराउंड कर दूंगी। डॉटिंग टूल को ईच टाइम एक साइज बढ़ा लेना है। अब यहाँ गोल्डन, वाइट, पीच, डार्क ऑरेंज एंड लाइट ऑरेंज से ब्रश स्ट्रोक्स दूंगी। बीच के गैप में मैं ये व्हाइट डॉट्स दूंगी और फिर बॉर्डर में टर्कोइस और डार्क ब्लू का बिग डॉट्स दूंगी। गाइज, अगर वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। अब यहाँ डिटेलिंग के लिए टर्कोइज कलर के ऊपर मेटेलिक ग्रीन का मीडियम डॉट्स बनाऊंगी और ब्लू डॉट्स के बीच में दो ऑरेंज स्मॉल डॉट्स दूंगी। और फिर यहाँ इस कैप को गोल्डन कलर के डॉट्स से कवर कर दूंगी। अब मैं बीच में बुद्धा जी का एक फेस बनाऊंगी। उसके लिए मैं ट्रेसिंग पेपर का यूज़ करूंगी। फेस का प्रिंट आउट मैंने निकाल लिया है और अच्छे से मंडला के सेंटर में फेस को ट्रेस कर लूंगी। अब जो फेस मैंने ट्रेस किया है उसके ऊपर व्हाइट कलर करूंगी
और इस प्रोसेस को 2 to 3 टाइम्स रिपीट करना है ताकि कलर प्रोमिनेंट हो। यहाँ मैं डार्क ब्लू कलर से स्ट्रोल्स बना लूँगी और फिर डिज़ाइन को सूखने दूँगी। कलर सूख जाने के बाद वर्निश का 2 कोट्स अप्लाई करूँगी और फिर से सूखने दूँगी। अब फेविकॉल के मदद से मिरर्स लगाएंगे। यहाँ मैंने डायमंड और ट्रायंगल शेप का मिरर्स यूज़ किया है। एंड फाइनली द मंडला आर्ट पीस इज रेडी। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और अपने आर्ट लविंग फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।